हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है बंसर। मैं हूं आपके शर्मा, एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो होने वाली है कि इस साल आप लोग अगर ये चाहते हैं कि हम 95% 96% 98% स्कोर लाना चाहते हैं, तो आप लोगों को बता दें आपके पास एक सुनहरा मौका है। और ये मौका सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं, जो बच्चे फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, जिनको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ आगे कोर्स वगैरह करना है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया मौका आने वाला है। क्योंकि इस साल आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो होंगे तीन बार। आप लोग कह रहे होंगे सर तीन बार, हमें तो पता है एक बार ही होगा। हाँ जी, एक बार होगा, ये एक बार बोर्ड एग्जाम उनके लिए होगा जो एवरेज बच्चे हैं और जो एवरेज नंबर लाना चाहते हैं। लेकिन जो टॉपर बनना चाहता है उसके लिए तीन बार बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। वो कैसे होने वाले हैं इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप लोगों को बात बता दें कि आपको अपने मन को पहले ही बोल देना है कि हमारे बोर्ड एग्जाम तीन बार हैं। और तीनों बार के जो बोर्ड एग्जाम हैं ये ऐसे एग्जाम हैं कि अगर इनमें हम अच्छे नंबर नहीं लेकर आए तो हमारा पूरा का पूरा जो साल है ये बर्बाद हो जाएगा, समय बेकार हो जाएगा और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अपने दिमाग को आप ये बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो आपका जो दिमाग होगा पेपर के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। अंदर का जो डर होगा वो डर तुमको पढ़ाई कराना स्टार्ट करेगा। और जब डर से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बता दें नंबर अच्छे लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप लोगों को बता दें अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है, जैसे ही अक्टूबर आएगा अक्टूबर में आप लोगों के आ जाएंगे हाफ ईयरली एग्जाम। तो आपको क्या काम करना है, अपने सिलेबस का, जितना भी आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस का 50% जो चीजें हैं अभी से आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। बात समझ में नहीं, आपको डेली 2 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ वगैरह 1.5 से 2 घंटे डेली लर्निंग के लिए निकालो, डेली पढ़ने के लिए बैठो। कोचिंग के लिए नहीं बोल रहा मैं, तो कोचिंग में जो पढ़ाई कराई जाती है उसमें ज्यादातर जो मेहनत होती है वो क्लास के अंदर जो खड़े हुए जो टीचर हैं जो आपको समझा रहे हैं उनकी मेहनत होती है, तो उसको आप इंक्लूड ना करें। आपको बताएं स्कूल और कोचिंग से हटकर आपको हर एक सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटे जरूर देने चाहिए लर्निंग करने में, कॉन्सेप्ट बनाने में, सीखने में। इनमें आप लोगों को समय देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग अपने आप पर काम करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा और उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा। आपको बताना स्कूल बनने के लिए चले गए वहां से स्कोर नहीं बनने वाला आप लोगों का। कोचिंग में आए, कोचिंग में आपको चीजें सिखाई जाएंगी जिससे तुम सीख सको। आपको बताया प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी आप लोगों को, जो कि आप शांत माइंड से बैठकर आपको चाहे मॉर्निंग के टाइम में याद करने के लिए निकाल सकते हैं, या फिर मान लो नाइट में आपको याद करना अच्छा लगता है तो नाइट में निकालिए। लेकिन किसी भी समय निकालिए, चाहे मॉर्निंग में चाहे नाइट में, लेकिन निकालो जरूर। जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक आप खुद से याद नहीं करोगे, तब तक आप लोगों के अच्छा स्कोर नहीं हो सकता। इस चीज को आप माइंड में बिठा लीजिए। तो आपको बताना 50% आपका जो सिलेबस है यहीं पर कवर हो जाना चाहिए। मतलब 50% चाहिए कॉपी में नहीं, सिलेबस में नहीं, ये 50% आपके दिमाग के अंदर समा जाना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे ही आप लोगों का हो जाएगा फिर धीरे धीरे आपके जो क्लास टीचर हैं या मान लो कोचिंग है वो आप लोगों को आगे की ओर पढ़ाते रहेंगे। तो अब आगे का प्रोसेस आप लोगों को कैसे बनाकर रखना है कि जो अभी आपने 50% तैयारी की है इसका डेली 15 से सिर्फ 20 मिनट आपको रिवीजन करना है। और नेक्स्ट जो आप लोगों को क्लास में समझाया जा रहा है उसको डेली फिर से लर्न करना है। जैसे आप लोग पहुंच जाएंगे अक्टूबर में, हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2 महीने आप लोगों को समय मिलेगा, तो डेली आप लोग टीचर की प्रैक्टिस करते रहो, जो करंट में चल रहा है उसको डेली याद करते रहो। बस में नहीं, अब आपके जनवरी के स्टार्टिंग में आप लोगों के आ जाएंगे प्री बोर्ड एग्जाम। अब प्री बोर्ड एग्जाम जैसे आ जाएंगे तो प्री बोर्ड एग्जाम में आपकी कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। तो आपको बता दें, तो पीछे का सिलेबस आप रिवीजन करते रहे तो इसलिए वो दिमाग में बना रहेगा, करंट में जो चीजें चल रही थी वो भी आप लोगों ने लर्न करी, संडे वाले दिन बैठ के उसका भी आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लोगे, तो आपका बता दें ये भी पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे कवर हो जाएगा तो आपको बता दें इस प्री बोर्ड एग्जाम को इस तरीके से देना कि कम से कम आप लोगों के जो नंबर हैं, खुद से जांच करना, कम से कम आप लोगों के नंबर 85+ आने चाहिए। 85+ बस में नहीं, अब हमारे पास जो जनवरी का जो समय बचेगा इसमें क्या काम करना, पीछे की जितनी भी चीजें हैं उनकी लगातार प्रैक्टिस, लगातार आपका रिवीजन, डायग्राम पर प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट अगर कोई आपका छूट रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में समय लगाना है, कोई चीज ऐसी है जो आप बार बार अटक रहे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से या टीचर्स के माध्यम से आसान भाषा में उनको समझने की कोशिश करनी है। आपको बता दें डेली
डायग्राम तो कर ही रहे हो डेली के डेली, आप लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की और प्रैक्टिस करते रहो, उसके साथ साथ में आप जब एग्जाम के अंदर बैठो प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आपको बता दें आप वहां पर किस चीज को फील कर रहे हो, क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे आप? अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मॉडल होंगे, मॉडल के अंदर सैंपल पेपर लगे होते हैं उन्हें लगाना स्टार्ट करो, वो नहीं मिल रहे आप लोगों को अगर मान लो पैसा वगैरह नहीं है। बायोलॉजी अगर आप स्टूडेंट हो तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, मॉडल मतलब मॉडल पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे, वहां पर आप कर लीजिए। टेस्ट वगैरह मैंने डाल रखे हैं, टेस्ट वगैरह कर लीजिए, बस में नहीं लेकिन कहीं से भी करो कैसे भी करो करो जरूर बस में, क्योंकि जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे तो पेपर को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करोगे तो पूरे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो पेपर टाइम में आप लोगों के अगर लास्ट के तीन तीन नंबर के दो चार क्वेश्चन या पांच पांच नंबर के एक दो क्वेश्चन भी छूट गए ना तो आपका स्कोर तेजी से गिर जाएगा। तो इसलिए पेपर टाइम में कुछ भी छोड़ना नहीं है आप लोगों को, पेपर में हर एक क्वेश्चन को करना है, विद इन टाइम के अंदर करना है बस में नहीं। और आपको बता दें बहुत से लोग क्या काम है, स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो लगते हैं लेकिन जैसे टाइम पता पड़ता है कि भाई मतलब कि आपका जा चुका है, कॉपी छीनने वाले हैं, तो घास काटना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें घास काटोगे तो घास काटने जैसे ही फिर नंबर मिलेंगे। आपको क्या काम है, स्टार्टिंग से ही स्पीड को मेंटेन करके चलना है। राइटिंग लास्ट में जब तुम घास काटो राइटिंग तो बेकार हो जाएगी ना, तो राइटिंग आप लोगों की इंप्रूव होगी। कैसे होगी, तो आप अभी से, अभी आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, तीन चार महीने का समय है, डेली चाहे आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो लेकिन डेली आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करो अपनी राइटिंग में। धीमे धीमे अभी लिखो, बाद में स्पीड बढ़ जाएगी कोई दिक्कत नहीं, अभी धीमे धीमे लिखना स्टार्ट करो लेकिन अपनी राइटिंग को भी अपना इंप्रूव करना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। आपको बता दें पेपर टाइम में अगर चाहते हैं आप लोग के माइंड आपका कूल रहे, फ्रेश रहे, तो उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा अभी आप मेहनत कर लोगे तो पेपर समय में आप लोगों को अदर जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी इंग्लिश को भी तुम्हें समय देना है, उनको आप अच्छे तरीके से समय दे पाओगे तो उनमें भी आप अच्छे तरीके से नंबर लेके आ पाओगे। अगर आप लोगों को बता दें अभी आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी तो पेपर टाइम में आपका जो दिमाग है डिप्रेशन में जा सकता है, प्रेशर ज्यादा पड़ जाएगा दिमाग पर, तुम्हें समय में नहीं आएगा फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, न्यूमेरिकल्स निकालूं या फिर मान लो इंग्लिश पढ़ूं, मैं क्या क्या चीजें पढ़ूं। तुम्हारे हर साल की जो प्रॉब्लम है वो यही आती है कि पेपर टाइम में आप लोग की आंखें खुलती हैं, तो आंखों को खोलना स्टार्ट करो अभी और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे आप लोगों को प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए तो तुरंत आपके फिर फाइनल आएगा बोर्ड एग्जाम जो कि फरवरी में आपका हो जाएगा। तो फरवरी में जब आ जाएगा तो आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम से पहले हाफ अर्ली एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम, यहां पर दो आपके पास ऐसी चीजें मिल रही हैं जो आपकी गलतियों को बताने का काम करेंगे। और आपकी जो जो गलतियां हैं ये आपको खुद पता होंगी, क्लास में आपने क्या गलती की, पेपर टाइम में आपने क्या गलतियां की, उन सभी गलतियों को महसूस करो और उन गलतियों को फिर इंप्रूव करो। और बोर्ड एग्जाम में बिना गलती के आप लोगों को एग्जाम देना है, क्योंकि अगर गलती कम से कम होंगी तो नंबर ज्यादा से ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा गलतियां होंगी तो नंबर कम से कम आएंगे। तो अगर आप लोग नंबर ज्यादा लाना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो आप अपनी गलतियों पर काम करना स्टार्ट करो। और आप लोगों को बता दें अगर आप वैसे कोई ऐसा बायोलॉजी का स्टूडेंट है 12th क्लास का, तो आपको बता मैंने उनके लिए कोर्स लॉन्च किया है बायोलॉजी की गुट्टी, और इस गुट्टी को लेने के बाद में बायोलॉजी टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा इंटरेस्टेड है या आपका कोई दोस्त वगैरह या आपके फैमिली मेंबर में कोई भी है तो आप उन्हें बता सकते हैं, ठीक है ना। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वहां पर लिख रहा होगा या मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लूंगा, जिससे कि यह जो ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, जिनके पास पैसा वगैरह नहीं है या जो मुझसे दूर है, जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि मैंने ऑनलाइन ये कोर्स लॉन्च किया है, तो उसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।